अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे आपको खुश रखे। मैं मोहम्मद अकरम रियाज से, और आज हम बहुत ही यूनिक वीडियो देखने वाले हैं। आए दिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कांड होते रहते हैं। कभी कुत्तों के साथ शादी कर लेती हैं लड़कियाँ, और कभी लड़के लड़के से शादी कर लेते हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है हमारे देश में। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, इसमें एक लड़की ने लड़की से शादी कर ली। अब ये कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या इन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। और आप ये वीडियो पूरा वॉच करें, पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल का बटन दबा दो, और वीडियो एंड तक देखें। अब देखते हैं वीडियो को। ऐसा प्रेमी जोड़ा दिखाने वाले हैं कि आप लोग देख के दंग रह जाएंगे। और देखिए, ये दो लड़कियां हैं और ये दो लड़कियां आपस में शादी कर लेती हैं, और ये दो लड़कियां क्या करती हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ये दोनों लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं, और ये दोनों लड़कियां ऑर्केस्ट्रा की डांसर हैं, और ये दोनों लड़कियां आपस में, दोनों में प्यार रहता है, और आज ये दोनों लड़की शादी कर लेती है। आप लोग सुने होंगे कि लड़का लड़की का शादी होता है, पर लड़की लड़की का शादी नहीं होता है। लेकिन आज आप लोग खुलेआम देख सकते हैं कि एक लड़की दूसरे लड़की से प्रेम विवाह कर लेती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार रहता है। पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम पड़ेगा आपका? पायल कुमारी। आपका क्या नाम पड़ेगा? अनीशा कुमारी। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी क्या? जी आप दोनों प्यार करती थी? हाँ, एक दूसरे से पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। पसंद करते हैं, मतलब आप लोग ये नहीं सोचे कि लड़का लड़की से शादी होता है पर लड़की लड़की कैसे प्यार की, ये नहीं सोचती हैं? ना, ऐसा बात नहीं। ऐसा नहीं है, मतलब कि ये बात सच है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। आप बोलिए। पसंद करते हैं। पसंद करते हैं। अच्छा, किस दिन आप लोग शादी की? कल कल किए हैं। हाँ। कहाँ पे शादी की आप लोग? कोटमारी में। कोर्ट मैरिज। हाँ। और ऐसे मंदिर वगैरह में? हाँ, कहाँ की? डुमरो मंदिर। डुमरेजनी मंदिर। हाँ। ये बता दे आप लोगों को कि ये डुमराव के डुमरेजनी मंदिर में ये लोग शादी करती हैं, और उसके बाद हाहाकार मच जाता है सोशल मीडिया पे और अखबारों पे। हाहाकार मच जाता है कि ये लड़की लड़की आखिर कौन है कि शादी कर लेती है। ये लड़की लड़की शादी की है तो उससे दिक्कत होगा कि क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात सही बोले ना हम? हाँ जी। अच्छा, आगे अब आप लोग क्या सोची है? आगे कैसे रहेंगे आप लोग? जिंदगी साथ रहते हैं, मतलब जिंदगी भर साथ रहेंगे। हाँ। आप भी बोले जिंदगी भर साथ रहना है। जिंदगी भर साथ रहेंगे। जिंदगी भर साथ रहना है। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता है कि जब लड़का और लड़की का शादी होता है तो उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है वो वैवाहिक जीवन? आप लोग मान लीजिए कि लड़का लड़की तो है नहीं, आप लोग लड़की लड़की हैं, वो वैवाहिक जीवन आप लोग कैसे करेंगी? नहीं करेंगे, वो सब नहीं करेंगे। नहीं। और आगे जाकर आप लोग किसी लड़के से शादी नहीं करेंगे? नहीं, दोनों में से किसी ने करेंगे। किसी नहीं? आप भी नहीं करोगी? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि लड़का लड़की का जब शादी होता है तो शादी के बाद सुहाग रात मनता है, आप लोग कैसे मनाएंगे? आप तो लड़की लड़की है, मना लेंगे वैसे ही। कैसे? वैसे ही। हाँ। क्या जैसे अजीब यार औरतें मनाते हैं वैसे ही। अच्छा, आप कौन है? आप भैया जी, आप कौन? अभी एक चमचा एक आगे साथ इसका मालिक है। अच्छा, आप इसके मालिक हैं जी, आरएस थिएटर का। आप ही जी आरएस थिएटर का मालिक हैं आप। अच्छा, आपको मालूम था पहले से कि इन दोनों में प्यार है? दो साल से हम देख रहे हैं। दोनों खाती है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर इधर इधर, इस साइड में, इस साइड में। मतलब दो साल से आपको मालूम था कि ये दोनों प्यार करती हैं? दो साल से ही दोनों मेरे पास है। हाँ। सोती एक जगह, खाती एक जगह। हाँ। प्रोग्राम में भी एक जगह जाती है। प्रोग्राम में भी एक जगह, एक ही जगह। मतलब दोनों में साथ रहते रहते प्यार हो जाता है बढ़िया। पर मतलब लड़का लड़की से ज्यादा प्यार हो गया इसको। लड़का लड़की से ज्यादा, बहुत अधिक। आखिर ये लोग फिर वैवाहिक जीवन अपना कैसे यापन करेगी? ये कह दिया मालिक, हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे, हमको कोई शौक नहीं है, लेकिन हम दोनों साथ रहेंगे। हम दोनों साथ रहेंगे जी। तो मालिक का क्या फर्ज बनता है, मारे पीटे? ना। हम साथ रहो भाई, जाओ साथ रहो। अच्छा, आप लोग मजाक मजाक में नहीं ना की है? ना, मजाक नहीं किया। अच्छा, पूछ के किया है मजाक? कोई हमसे पूछ के किया, कोई मजाक नहीं किया। हाँ। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले आप दोनों को किसी लड़के से प्रेम था, प्यार था? नहीं नहीं, नहीं। आपको था? नहीं। किसी लड़के से नहीं प्यार हुआ है? नहीं। मतलब लड़का को देख के वैसे जैसे हर लड़की को शायद मन में होता होगा कि किसी लड़के से प्यार करे, तो वैसे आप लोगों को नहीं होता है? नहीं, वही हमको नहीं आता। वैसा कभी नहीं आप दोनों में से किसी को नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ किसी लड़के से प्यार? नहीं, सिर्फ लड़की से होता। सिर्फ लड़की से? हाँ। और आपको इन्हीं से प्यार हो गया जी? और आपको इन्हीं से प्यार हो गया?
इससे प्यार हो गया जी। थोड़ा तेज बोल सकते हैं, कोई आपको यहाँ पे कुछ करने वाला है नहीं, तेज बोल सकते हैं आप लोग। देखिए ये लोग हंस रहे हैं और ये लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए। वो लड़की लड़की ही खुद वो लोग क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक बार फिर से आप लोग नाम बताइए, आपका क्या नाम पड़ा? अनीशा कुमारी। अच्छा आपका नाम क्या पड़ा? पायल कुमारी। अच्छा तो इसमें हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है? हस्बैंड आप है अनीशा और पायल आप वाइफ है। देखिए देख सकते हैं कि इनके मांग में सिंदूर भरा गया है, मतलब कि ये वाइफ है और ये जो है कि हस्बैंड है। अच्छा आप लोग ये कैसे बनाई, थोड़ी ऊंची लंबी है, दूसरी छोटी लग रही है। देखिए ये माला भी है एक दूसरे आपस में सामने ये पहना रहे हैं। एक दूसरे को कैसे आप लोग पहनाए थे, थोड़ा पहना के बता दीजिए, थोड़ा पहना के बता दीजिए। पहनाइए पहले कौन पहनाएगा? पहले लेडीज पहनाएगा, अब जेंट्स पहनाएगा। देखिए तब उसके बाद जेंट्स। देखिए हाँ देखिए, और इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और ये देखिए इनके थिएटर के मालिक ये हैं और इन्हीं के थिएटर की ये दो कलाकार हैं और ये दो डांसर हैं, दोनों को प्यार हो जाता है। और देखिए एक बार फिर से ये दोनों कैमरा के सामने ये लोग शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुश है ये लोग, बहुत खुश है, बहुत खुश है। आप भी खुश हैं? बहुत खुश है। आप लग रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा खुश है, आप लग रहा है थोड़ा कम खुश हैं, सही है? नहीं है, वैसे ही है सर, थोड़ा सा कम बोलते हैं जी। आप थोड़ा सा ज्यादा बोलती हैं? हाँ। देखिए दोनों शर्मा रहे हैं। अच्छा मान लीजिए कि आप हस्बैंड हैं, ये वाइफ हैं, सुहाग रात मनाएंगे दोनों लोग ना? हाँ, मना लिए, रात मनाइए, बोलो ना। हाँ रात में मना लिए। रात में मना लिए जी। ये देखिए ये शर्मा रहे हैं, इन लोगों से ज्यादा तो ये बोल रहे हैं कि रात में मना लिए, रात में मना लिए। सही वही देखते दोनों, ये चमचा जो साथ में मारा ना उंगली, हमने पूछा क्या ये गलत कर रहा है, पता नहीं इसी की वजह से हुआ है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को मतलब ये नहीं लगा कि लोग क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे, बिहार के लोग क्या सोचेंगे, ये बताइए मतलब लोग क्या सोचेंगे, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता? हम लोग खुश हैं ना, दुनिया कोई कुछ बोलेगा ठीक ना, उसे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, आपको भी नहीं? नहीं फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ताने मारेंगे ये सब नहीं आप लोग सोचिए? नहीं, इससे दिक्कत नहीं है आप लोगों को? ना, हम दोनों खुश हैं ना, और वही माँ बाप भी खुश हैं। आप दोनों खुश हैं तो सब खुश रहेगा जी। अच्छा आप लोगों के माता पिता हैं? हाँ। वो लोग जानेंगे ये बात कि लड़की लड़की से शादी कर लिया है तो? जान चुका है वो, बोले नहीं वो लोग कुछ? कुछ नहीं, वो क्या बोलेगा? बोला है इनका मम्मी बोल रहा है, मेरा मम्मी नहीं बोलता है। इनके मम्मी क्या बोली? हाँ क्या बोली इनकी मम्मी? क्या इनकी मम्मी क्या बोली? कुछ नहीं, वो क्या बोलेगा? राजी नहीं है, मतलब राजी नहीं है घर के घर वाले। पर आप दोनों तो अपने रजामंदी से शादी किए हैं? हाँ, अपने मर्जी से किए हैं। दोस्तों ये हो क्या रहा है, क्या इनको नॉलेज कम है या क्या, पता नहीं क्या हो। ये खासकर मैंने देखा है ये ज़्यादातर यूपी और बिहार के लोगों में ऐसा होता है। तो आप सब भी दुआ करो अल्लाह ताला इनको हदायत दे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर अपनी राय पेश करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।